नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। सरकार ने दुर्लभ बीमारियों के उपचार के लिए आयात की जाने वाली दवाओं और खाद्य पदार्थों पर बुनियादी सीमा शुल्क में छूट दी। राजस्थान में मानवाधिकार आयोग ने निजी अस्पतालों और नैदानिक केंद्रों की हड़ताल के कारण बुरी तरह प्रभावित स्वास्थ्य सेवाओं का संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली बैठक आज गुजरात के गांधीनगर में शुरू हुई और G20 शेरपा की दूसरी बैठक केरल में जारी। रूस ने अमरीका को मिसाइल परीक्षणों की जानकारी देना बंद किया और रामनवमी का पर्व आज देशभर में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। केंद्र सरकार ने दुर्लभ बीमारियों के उपचार के उद्देश्य से व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात की जाने वाली सभी दवाओं और विशेष खाद्य पदार्थों को बुनियादी सीमा शुल्क से छूट प्रदान की है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि छूट वाली दवाओं और खाद्य पदार्थों को दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 के तहत सूचीबद्ध किया गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इस छूट का लाभ उठाने के लिए व्यक्तिगत आयातक को केंद्रीय या राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशक या जिले के सिविल सर्जन से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। सरकार ने विभिन्न कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाले पेम्ब्रोलिजुमाब को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट प्रदान की है। इन दवाओं पर सामान्यतः 10% की दर से बुनियादी सीमा शुल्क लगता है, जबकि जीवन रक्षक दवाओं और टीकों की कुछ श्रेणियों पर बुनियादी सीमा शुल्क की रियायती दर 5% या शून्य है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा। राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग ने निजी अस्पतालों और नैदानिक केंद्रों की हड़ताल के कारण स्वास्थ्य सेवाओं के बुरी तरह प्रभावित होने का संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है। आयोग ने राजस्थान चिकित्सा परिषद और स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव को इस बारे में रिपोर्ट देने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आयोग ने डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील भी की है। प्रदेश में कल देर रात सरकार से बातचीत के बाद रेजिडेंट डॉक्टरों ने काम पर लौटने की घोषणा की है। सरकार ने रेजिडेंट डॉक्टरों की HRA बढ़ाने सहित 4 मांगों पर सहमति जताई है। रेजिडेंट डॉक्टरों के काम पर लौटने से राज्य में मेडिकल कॉलेजों से जुड़े हुए अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं बेहतर हो सकेंगी। हालांकि निजी अस्पतालों में चिकित्सा सेवाएं बंद होने से सरकारी अस्पतालों पर भारी दबाव है। हजारों ऑपरेशन स्थगित हो चुके हैं और मरीज खासे परेशान हो रहे हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली बैठक आज गुजरात के गांधीनगर में शुरू हुई। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ पीके मिश्र और संचार राज्य मंत्री देबू सिंह चौहान ने इस बैठक का उद्घाटन किया। आकाशवाणी के संवाददाता से विशेष बातचीत में श्री देबू सिंह ने कहा कि बैठक में G20 सदस्य देश आमंत्रित देश गुजरात से एक अच्छा अनुभव लेकर जाएंगे। आज गुजरात में डिजास्टर रिस्क को लेकर एक वर्किंग ग्रुप का बैठक पहली बार हो रहा है G20 समिट में। आप सब जानते हैं कि G20 समिट आज भारत जब होस्ट हो रहा है, जा रहा है करीब करीब एक साल तक इस तरह इवेंट को होस्ट करेंगे, तब डेवलप कंट्री, डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलप कंट्रीज के लिए डिजास्टर के समय एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस, अपना इनोवेशन और गुजरात से एक विशेष अनुभव लेकर वो जाएंगे। मैं ये मानता हूं कि अनुभव आने वाले समय में वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छा G20 का रहेगा। भारत की G20 अध्यक्षता में G20 शेरपा की दूसरी बैठक आज सुबह केरल के कुमारकॉम गांव में शुरू हुई। ये गांव विश्वभर में अपने हरे भरे धान के खेत, मैनग्रोव वन, नारियल वृक्ष वाटिका और बैक वाटर क्रूज के लिए प्रसिद्ध हैं। G20 सदस्य देशों के 120 से अधिक प्रतिनिधि भारत के शेरपा अमिताभ कांत की अध्यक्षता में इस बैठक में भाग ले रहे हैं। ये बैठक 9 आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय संगठनों को एक मंच प्रदान करेगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र ने आज कहा कि देश में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का सफल कार्यान्वयन पिछले 75 वर्षों में सबसे बड़ा प्रशासनिक बदलाव है। कुमारकॉम में मीडिया से बातचीत करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव ने कहा कि देश द्वारा दिखाई गई इस राह से अधिकतर विकासशील देश से संभवतः प्रेरणा ले सकते हैं।
शेरपा बैठक के हिस्से के रूप में आयोजित एक अलग कार्यक्रम में नेस्कॉम द्वारा निर्मित डिजिटल एक्सपीरियंस जोन में इसका प्रदर्शन किया गया। इससे पहले भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने पारंपरिक अनुष्ठानिक प्रदीप जलाकर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक अलग कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कृषि कार्य समूह की दूसरी कृषि प्रतिनिधि बैठक 29 मार्च से 31 मार्च 2023 तक चंडीगढ़ में आयोजित हो रही है। इस बैठक में 19 सदस्य देशों के प्रतिनिधि, 10 आमंत्रित देश और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भाग ले रहे हैं। वाणिज्य तथा उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने आज प्रतिनिधियों को संबोधित किया और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए एक सहमति बनाने में विश्वास व्यक्त किया। श्री सोम प्रकाश ने मसौदा विज्ञप्ति पर हुई चर्चा के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस बैठक में हुई चर्चा कृषि के विकास में एक सहमति विकसित करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। नॉर्थ ईस्ट डायरी प्रोग्राम broadcast every Thursday at 5:30 p.m. brings very interesting and enchanting stories from the 8 Indian states of Northeast India. Northeast Diary this week on the 30th of March 2023 brings an exclusive interview with Mr. Richard Asoso, Chief Marketing Officer and PRO of a Kohima-based IT firm. Looking forward to seeing you there. दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज उत्तराखंड के हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के 113वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। गृहमंत्री ने उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए उपाधि और पदक प्रदान किए। श्री शाह ने उपस्थित लोगों को रामनवमी की बधाई दी। इस अवसर पर श्री अमित शाह ने नई शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देने पर जोर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति में विधा और कक्षा पर जोर न देकर विद्यार्थियों को सभी विषयों को सीखने का अवसर प्रदान किया गया है। मोदी जी ने नई शिक्षा नीति के अंदर मातृभाषा के महत्व को प्रस्तावित किया है। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होगी, त्रिभाषा का सूत्र भी दिया है और आने वाले दिनों में मातृभाषा से पढ़े हुए मेगावान छात्र समग्र देश और विश्व का कल्याण करे, इस प्रकार का एक रास्ता उन्होंने प्रशस्त किया है। मातृभाषा के अंदर 10 राज्यों के 20 इंजीनियरिंग कॉलेजों में हिंदी, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मराठी और बांग्ला में इंजीनियरिंग की पढ़ाई लिखाई शुरू हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि सभी नागरिकों को सस्ते दाम पर अच्छी गुणवत्ता की दवाइयां उपलब्ध कराना सरकार की पहली प्राथमिकता है। इसके लिए सरकार ने देशभर में जन औषधि केंद्र खोले हैं। श्री मांडविया ने आज उत्तराखंड के देहरादून में जाखन में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का दौरा किया और दवाओं की उपलब्धता की जानकारी ली। चार धाम यात्रा के बारे में श्री मांडविया ने कहा कि राज्य सरकार ने चार धाम जाने वाले मार्गों पर स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए 500 करोड़ रुपए की मांग की है, जिसे पूरा किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना पर प्रसन्नता व्यक्त की है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि भारत देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देने के लिए युवाओं के उद्यमशील उत्साह पर अपना दांव लगा रहा है। हाल ही में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए शुरू की गई ऋण गारंटी योजना ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में 1,00,000 करोड़ रुपए की ऋण गारंटी को अनुमोदित करने के एक नए आंकड़े को छुआ है। एनएक्सपी सेमीकंडक्टर्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कर्ट सीवर्स ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने सेमीकंडक्टर्स और नवाचार के बदलते परिदृश्य पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रतिभाशाली युवाओं के बल पर भारत सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में एक ताकत के रूप में उभर कर सामने आया है।
पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि सरकार 5000 किलोमीटर लंबे जलमार्ग के साथ पूर्वी ग्रिड विकसित करने की योजना बना रही है। श्री सोनोवाल ने कल नई दिल्ली में दूसरे अंतर्देशीय जलमार्ग शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड के 3000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इसी अवधि के दौरान 1300 से अधिक लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 98.78% है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रियाबकोव ने कहा है कि रूस अब अपने मिसाइल परीक्षणों के बारे में अमरीका को सूचित नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि रूस ने अमरीका के साथ परमाणु हथियार समझौते से अलग होने के बाद अमरीका के साथ सभी तरह की सूचनाओं के आदान प्रदान पर रोक लगा दी है। अमरीका द्वारा नई स्टार्ट संधि के तहत रूस के साथ प्रत्येक 2 वर्ष में परमाणु हथियारों से जुड़ी जानकारी साझा करना बंद किए जाने की घोषणा के बाद रूस के उप विदेश मंत्री का ये बयान सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने गौरवशाली विरासत से समृद्ध राजस्थान के चहुंमुखी विकास की आशा व्यक्त की है। रामनवमी का पर्व आज देशभर में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने लोगों से भगवान राम के आदर्शों को आत्मसात करने और भारत को एक गौरवशाली राष्ट्र बनाने में स्वयं को समर्पित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान राम का जीवन त्याग, तपस्या, संयम और दृढ़ संकल्प पर आधारित है और ये हर युग में मानवता की प्रेरणा बना रहे। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु तु दशरथ अजर बिहारी राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम। उत्तर प्रदेश में भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में रामनवमी का पर्व धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव के पर्व रामनवमी के अवसर पर देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु राम की नगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं। सरयू नदी के घाट पर भक्तों के स्नान का सिलसिला भोर से ही शुरू हो गया था। नवापारायण और रामचरितमानस का पाठ अनवरत जारी है। यहां सभी प्रमुख मंदिरों में भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। राम जन्मभूमि स्थित रामलला विराजमान मंदिर के पट भी कल शाम भव्य आरती के बाद बंद कर दिए गए, जो आज दोपहर प्रभु राम के जन्म के साथ खुलेंगे और भव्य तरीके से राम जन्मोत्सव मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो गोरखनाथ पीठ के महंत भी हैं, कल शाम ही गोरखपुर पहुंच चुके हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। चैत्र नवरात्र के अंतिम दिन आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वाधीनता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि श्यामजी कृष्ण वर्मा एक सच्चे राष्ट्रवादी और साहसी व्यक्ति थे, जो अन्याय और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ देश के संघर्ष में सबसे आगे थे। मैड्रिड मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज दूसरे दौर के मुकाबले खेले जाएंगे। महिला डबल्स में पीवी सिंधु, आकर्षी कश्यप, अश्मिता चालिया और मालविका बंसोड अपने मैच खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में किदांबी श्रीकांत, साई प्रणीत, किरण जॉर्ज और समीर वर्मा अपनी चुनौती पेश करेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। सरकार ने दुर्लभ बीमारियों के उपचार के लिए आयात की जाने वाली दवाओं और खाद्य पदार्थों पर बुनियादी सीमा शुल्क में छूट दी। राजस्थान में मानवाधिकार आयोग ने निजी अस्पतालों और नैदानिक केंद्रों की हड़ताल के कारण बुरी तरह से प्रभावित स्वास्थ्य सेवाओं का संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली बैठक आज गुजरात के गांधीनगर में शुरू हुई और G20 शेरपा की दूसरी बैठक केरल में जारी। रूस ने अमरीका को मिसाइल परीक्षणों की जानकारी देना बंद किया और रामनवमी का पर्व आज देशभर में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।